नमस्कार, टीम सिटी लाइव की ओर से मैं अशोक रही आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं सुविख्यात कवि और विचारक श्री कृष्ण कल्पे। कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयसर नहीं शहर के लिए। 70 लंबे वर्ष और 70 करोड़ गरीब, लेकिन चुनाव चुनाव और फिर चुनाव। हमारे देश में चुनाव में लाखों करोड़ों रुपया व्यय किया जाता है, लेकिन गरीब अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरस रहे हैं। उनके पास मकान नहीं है, भरपेट खाने को भोजन नहीं है, पहनने को चिथड़े कपड़े हैं। ये कैसा प्रजातंत्र है और ये कैसे चुनाव है, इसी विषय पर आज हम बात करते हैं सुविख्यात कवि और विचारक श्री कृष्ण कल्पित से। कल्पित भाई, आपको जो ये दृश्य परिदृश्य नजर आ रहा है, इसके बारे में एक कवि के रूप में, एक इस देश के नागरिक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अशोक जी, आपका शुक्रिया। आपने बातचीत की शुरुआत में दुष्यंत कुमार का शेर पढ़ा, कहाँ तो तय था चरागाँ हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। तो अशोक जी, आपको पता है दुष्यंत ने यह शेर कब लिखा था? ये लिखा था इमरजेंसी में, और वो 76-77 की बातें हैं। तो उस समय तो ये शेर मौजूद था ही, लेकिन लगातार ये और प्रासंगिक होता गया, और मुझे लगता है कि आज की स्थिति के लिए और भी मौजूद है कि जो रोशनी हमें चाहिए थी वो तो मिली नहीं, और एक आग मिली है जिसमें हमारे स्वप्न जल रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा है कि जैसी स्थितियाँ हैं, तो देखिए कि हमारा स्वप्न था कि ये दुनिया निरंतर सुंदर होती जाएगी, लेकिन देखिए कि दुनिया एक ऐसी कगार पर है। मैं केवल भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, आज ग्लोबल अपन बात करें तो सारे देशों में जिस तरह से पूंजीवाद और अमानवीयता, हत्या और पर्यावरण की लूट जैसी चल रही है, मैं नहीं समझता कि ये कोई शुभ संकेत है मानवता के लिए। और जहाँ तक भारत का सवाल है, तो निश्चय ही आज मैं आलोक धनवा की एक पंक्ति पढ़ रहा था, उनसे किसी ने पूछा कि आपका क्या स्वप्न है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस ढहते हुए देश को बचाना चाहता हूँ। क्या बात है। तो ये ढहता हुआ देश, एक बनता हुआ देश जब आज़ाद हुआ था, तो कितने स्वप्न थे, कितनी इच्छाएं थी, कितने रंग थे, और कैसी सच्ची राजनीति भी थी उस समय, और कैसे कैसे स्वप्नजीवी राजनेता थे उस समय। तब हमें लगा था कि इस देश का निर्माण होगा, लेकिन निरंतर 70 सालों तक, मैं किसी राजनीति और राजनीति के प्लेटफॉर्म की बात नहीं करके कह रहा हूं कि निरंतर हम एक भयानक दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। कृष्ण भाई, एक सवाल दिमाग में आता है कि क्या इसका बहुत बड़ा कारण ये सिद्धांतहीन राजनीति नहीं है? जिस तरह पिछले दिनों हम चुनाव के टिकटों की बात करें, और टिकटों के बाद बटने के बाद भी जो एक बगावती परिदृश्य उभरा, जिसमें कौन सा नेता किस दल से कब छोड़ के कहां जा रहा है, ये क्या है? तो यही ये दृश्य ही बताता है कि लोकतंत्र अब अपनी लोकतंत्र का अंतिम क्षण है कहकर आप हंसे। ये रघुवीर साय कहते हैं, तो ये लोकतंत्र का अंधेरा है जो नजर आ रहा है। विचार के आधार पे अब मुख्य जो पार्टियां हैं इस देश की, बीजेपी है, कांग्रेस है, ये एक दूसरे से कि भिन्न विचारधारा की पार्टियां हैं, यहाँ तक तो हम मानते हैं, लेकिन वास्तव में क्या ऐसा है? बीजेपी का आदमी एक दिन आता है और कांग्रेस में चला जाता है, कांग्रेस का आदमी आता है और बीजेपी में चला जाता है, आवाजाही लगातार जारी है। तो फिर किस विचार के लिए आप लड़ रहे हैं, या केवल सत्ता प्राप्ति के लिए आप लड़ रहे हैं? ठीक है,
कि हमने अपनी जवानी कांग्रेस और उससे लड़ते हुए, उनके विचारों से लड़ते हुए गुजारी, लेकिन पिछले जो 5 साल से इस देश का माहौल हुआ है, जैसा बना है, जो सांप्रदायिकता बढ़ी है, मनुष्य मनुष्य में जो बंटवारा हुआ है, तो हम किस जगह पर आ गए हैं ये हमें सोचना होगा। हम ये तो कहते हैं अशोक जी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसमें क्या दोराय है इतनी, और सबसे बड़ा ही होगा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में इतनी पॉपुलेशन है कि सबसे बड़ा होगा। यहाँ कोई मोहल्ला बसता है तो कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा मोहल्ला ये बसा है, तो इसलिए कि इतने लोग हैं, बसेंगे तो अपने आप ही वो सबसे बड़ी चीज़ हो जाएगी। लेकिन हमें विचार करना चाहिए था इन 70 वर्षों के बाद। चमत्कार है, निश्चय ही लोकतंत्र एक चमत्कार है, क्योंकि लोकतंत्र के बारे में पूछा था तो मुझे याद आता है कि स्वप्नजीवी प्रधानमंत्री वीपी सिंह की एक बात याद आती है कि लोकतंत्र देखिए कि बिना 70 साल में इस देश में, ये लोकतंत्र का ही कमाल है कि सत्ता परिवर्तन में कोई खून खराबा नहीं होता। आज आपकी सीटें कम हो गई है, उतर जाइए है। तो ये जो लोकतंत्र का जो है वो तो दिखाई पड़ता है, लेकिन लोकतंत्र को और बेहतर करने के लिए, और लोकतंत्र तब तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक कि शिक्षा पूरी नहीं हो। लेकिन ये भी एक मिथ है, क्योंकि जहाँ जहाँ शिक्षा है, बल्कि हमारे विश्वविद्यालय हैं, वहाँ जो जातिवादी राजनीति है उसको देख के मुझे और हैरानी होती है। तो लोकतंत्र कोई विचार के आधार पे कोई लोकतंत्र बचा नहीं है, और अपने अपनी सत्ता प्राप्ति के साधनों के लिए वो इस देश का कोई भी पार्टी हो कुछ भी नुकसान करने में हिचकिचाती नहीं है, मुझे तो यही दृश्य नजर आ रहा है। निश्चित रूप से लोकतंत्र एक महान वरदान है राजनीति के लिए और हमारे लिए, लेकिन क्या कोई वैकल्पिक राजनीति, या जिस तरह अपन ने बात की लगातार दल बदल की, कोई कोई वैकल्पिक राजनीति का कोई चेहरा, कोई स्वरूप, कोई नेता ये भी दिखाई नहीं देता, क्या ये विकल्पहीनता नहीं है? नहीं, देखिए कि लोकतंत्र, हम सामंतशाही रियासत और कहाँ कहाँ से गुजर के गुलामी, एक लंबी गुलामी हमने झेली, उसके बाद हमने ब्रिटिश लोकतंत्र को अपनाया, क्योंकि ब्रिटिशर्स का दी हुई आज़ादी है, ली हुई आज़ादी भी है और दी हुई आज़ादी भी है। तो हमने, जैसा कि लॉर्ड मैकाले चला गया, कि जब ये कहा गया कि वो जो पूरा का पूरा स्वरूप हमने वहाँ से ले लिया, यहाँ तक कि संविधान भी पूरा का पूरा उसी आधार पे हमने तैयार किया, तो ये कहा गया कि लॉर्ड मैकाले तो चला गया, सफ़ेद अंग्रेज चले गए, यहाँ काले अंग्रेज राज करेंगे। तो वही स्थितियाँ इस लोकतंत्र के साथ हुई हैं, पिछड़ा दबा हुआ जो आखिरी आदमी कहते हैं गांधी जिसको, उसकी हालत देखिए आप। इस देश को जानना है तो गाँव में जाइए आप, और उस अंतिम आदमी जो भूख से मर रहा है, जिसको 2 जून की रोटी नहीं मिलती है, अब रोजाना ये आंकड़े आते हैं कि इतने करोड़पति हर साल बढ़ गए, इसका आंकड़ा कोई नहीं देता है कि कितने गरीब हर साल बढ़ गए। तो ये लोकतंत्र है, तो इसका विकल्प हमारे बुद्धिजीवियों को खोजना चाहिए था, और ये भी सोचना चाहिए था। अभी कल परसों ही काटजू साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि चीन आज दूसरी बड़ी पावर है दुनिया की, बल्कि कहना चाहिए कि उसने बैलेंस कर रखा है इस धरती को। पहले रूस करता था, उसकी जगह अब चीन आ गया है। अमेरिका का जो रोड रोलर है, जो पूरी दुनिया में घूम रहा है, उसको रोकने वाला कोई देश है अभी? पहले जैसे रूस था तो अब चीन है। तो चीन में तो प्रजातंत्र नहीं है, वो जो भी वहाँ फेडरल सिस्टम है उसके जरिए ही उन्होंने अपने आप को विकसित किया है, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी में भी अपनी संस्कृति में भी, अपनी ताकत में भी, अपनी पावर में भी उन्होंने एक विकल्प पेश किया है। तो हमें अपने पड़ोसी मुल्कों से भी सीखना चाहिए, और हमारे बुद्धिजीवियों को, हमारे राजनेताओं को, और हमारे विचारकों को लोकतंत्र के विकल्प के बारे में भी सोचते रहना चाहिए, और साथ ही लोकतंत्र और किस बेहतर तरीके से इस देश में अपनी जड़ें जमाए, जिससे कि एक सच्ची राजनीति लोग करें और सच्चे ढंग से इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें, तभी यह हो सकता है, जो दुर्भाग्यवश हुआ नहीं। कृष्ण भाई, युवाओं को जब हम आज इस देश के युवाओं को देखते हैं तो बड़ा नैराश्य नजर आता है, युवाओं में भी नैराश्य है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज की खबर है जिसमें 4 युवाओं ने बेरोजगारी से डर कर ये बहुत ही भयानक है ये आज की खबर।
ये आंखें खोलने वाली है। अभी भी हम नीचे चार युवा जो कि किशोरावस्था की 18-20 की उम्र के रेलगाड़ी के आगे कूद गए कि हमें नौकरी तो मिलनी नहीं है, इसलिए मर जाना बेहतर है, ये देश है रहने लायक। ये आज का सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए थी हमारे सोचने के लिए कि हम क्या देश बना रहे हैं। और बेरोजगारी की हालत ये है पूरे देश में कि मैं जिस टैक्सी में भी बैठता हूँ, जिससे भी बात करता हूँ, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। और जो राजस्थान में जो चुनाव हो रहे हैं, आपको सड़कों पे जो भीड़ नजर आ रही है, जो राजनेताओं के पीछे जो भीड़ नजर आ रही है, वो उनके समर्थक नहीं है, वो कुछ नहीं, वो बेरोजगारों की भीड़ है। कि ये जब ये 2 महीने चुनाव चलेंगे, 1 महीने, तो उनकी भी शक्ति उसमें लगेगी। आज जो देश भर में आपको कांवड़िए नजर आते हैं, हमारे जमाने में भी कांवड़िए होते हैं, बड़े शुद्ध हृदय से वो पैदल चल के देवघर तक जाते थे, यहाँ तक जाते थे करते हुए, लेकिन अब तो कांवड़ियों का आतंक है। कांवड़िए जिस पथ से कांवड़िए गुजरते हैं, भले आदमी कहते हैं कि इनसे बच के रहो और आगे आगे बढ़ो, तो वो कौन है? वो भी एक पूरी की पूरी फौज है बेरोजगारों की, जो कि और जिस तरह से राजनीति ने धर्म का इस्तेमाल किया है, धर्म को एक एक हिंदू धर्म जैसे सुविचारित और सामंजस्य वाले धर्म को एक जहर और विष भरा भरे धर्म में बदल देना, ये इस आपकी राजनीति की करतूत है, राजनेताओं की करतूत है, जो कि हमारे बीच, क्योंकि धर्म हमारे आपस में प्रेम भाव उत्पन्न करता है, यही सब धर्मों का मूल है। लेकिन धर्म लड़ने के अखाड़े हो गए हैं, सड़क पे लड़ रहे हैं हम धर्मों के नाम पे। ये हिंदुस्तान बनाने का हमने सोचा था, बड़ी निराशा होती है राय जी। विशेषकर मैं आपसे साहित्यकारों की और बुद्धिजीवियों की भूमिका के बारे में पूछना चाहता हूं कि इस समय सबसे ज्यादा उनको सड़क पर निकलना चाहिए या उनको एक्टिव होना चाहिए? एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन वो कैसी कैसी उनकी सक्रियता है, क्या उनकी सक्रियता है, ये बिल्कुल समझ नहीं आता। आपका कहना सही है, बुद्धिजीवी और कोई भी वर्ग है अभी इस देश में, वो अपनी भूमिका सही तरह से नहीं निभा रहा है। लेकिन बुद्धिजीवियों को, और बुद्धिजीवियों में सभी आते हैं, साहित्यकार आते हैं, कवि आते हैं, वकील आते हैं, प्राध्यापक आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, जो भी सोचने विचारने वाला तबका है वो बुद्धिजीवी वर्ग है। लेकिन मुझे अफसोस है ये कहते हुए कि हमारा बुद्धिजीवी वर्ग मध्यम उच्च मध्य वर्ग के उसमें फंस कर रह गया है, अपनी छोटी मोटी जितनी भी सहूलियतें हैं वो छोड़ नहीं सकता, और सड़क पर कभी कभी नजर आते हैं तो कुछ नतीजे भी आते हैं और कुछ आशा जगती है, लेकिन सबकी भूमिका, सब ने अपने अपनी भूमिका के साथ कोई न्याय नहीं किया है। आज जब इस तरह की नफरत, इस तरह की सारी चीजें हैं, तो सबसे बड़ी भूमिका ही बुद्धिजीवियों की इसमें होनी चाहिए कि वो आए, सड़कों पे आए और लोगों के बीच जाएं। जब फ्रांस में जब स्टूडेंट क्रांति हुई थी, तो सार्त्र जैसे साहित्यकार स्टूडेंट के बीच जाते थे, उनसे संवाद करते थे, सड़क पे उतरते थे, तब जाकर के कोई परिवर्तन होता है। तो बुद्धिजीवी या इंटेलेक्चुअल ट्रेटर की भूमिका रही है उनकी, मुझे कहते हुए अफसोस होगा। अब आप एक आध दो चार सच्चे बुद्धिजीवियों का नाम गिना देंगे तो अलग बात है, लेकिन एक सामूहिक भूमिका जो बुद्धिजीवियों की इस देश में जो होनी चाहिए थी, वो ठीक उन्होंने ठीक तरह से नहीं निभाई है। आज हम जिस अंधे मोड़ पे खड़े हुए हैं, तो उसके जिम्मेदार बुद्धिजीवी भी सबसे ज्यादा है। हम एक अंधे मोड़ पर खड़े हो गए हैं, क्या कृष्ण कल्पित की बात सुनकर हमारे दिल में आग नहीं लगनी चाहिए? दुष्यंत कुमार ने ठीक कहा था, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में सही या मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग होनी चाहिए। हम इतने बेबाक विचारों को प्रकट करने के लिए हमारे मित्र और कवि श्री कृष्ण कल्पित का अभिवादन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया आप सबका।